दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है मुझे कि आप लोग सब खुश ही होंगे। खुश रहा करो यार, मस्त रहा करो। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, सब फिर वही सब चीज़ें हैं। आखिर हर व्यक्ति की ज़िंदगी संघर्ष से भरी होती है। आदमी संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, सफलता को हासिल करता है, तो ये तो सब लोगों की ज़िंदगी में लगा रहता है। खैर छोड़िए, शुरू करते हैं। मैं एके सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं VIP न्यूज़ टुडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता की जिसको निषाद समाज का गॉड फादर भी कहा जाता है, पॉलिटिकल ऑफ गॉड फादर, और फिशरमैन भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी के बारे में। डॉक्टर संजय निषाद जी ने लखनऊ में निषाद समाज को बुला करके रैली किया और कहा कि आज आप लोगों को आरक्षण मिलेगा, आज आरक्षण की बात होगी। लेकिन वहाँ पर सभी लोग गए और उनके सामने आरक्षण का ऐसा भी नहीं बोला गया और उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ और अधिकार पाओ। तो आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा और टाइटल में साफ साफ लिखा है कि अब सरकार बन गई है, अब अधिकार मिलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, मिलेगा? इस वीडियो पे कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि क्या अब निषाद समाज के हक और अधिकारों की बात होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, जबकि उनकी सरकार सेंटर में भी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी, और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई और सेंटर की सरकार उन लोगों की चल रही है। तो यानी आप कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार फिलहाल चल रही है। डबल इंजन की सरकार होते हुए अब तो अधिकार मिल जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करो और वीडियो में बताओ। भाई अब सरकार बनेगी, अब तो अधिकार दे दो। आप लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद समाज के हक और अधिकार दिला पाएंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो इस वीडियो पे कमेंट करिए और बताइए कि हाँ ये संभव है। अगर नहीं तो फिर आप बताइए कि हक और अधिकार की जो सच्ची लड़ाई है वो डॉक्टर संजय निषाद लड़ रहे हैं या मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, जिन्होंने समाज को अधिकार दिलाने के लिए अपना मंत्री पद, अपना पार्टी और अपना विधायक तक खो दिया है, लेकिन निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर संजय निषाद हैं जो अब एक बेटे को अपने विधायक बना लिए हैं, एक बेटे को सांसद बना लिए हैं, खुद मंत्री हो गए हैं, और पूरे परिवार के लोग राजनीति में होने के बावजूद अगर समाज को अधिकार नहीं मिल पाता है, इसका मतलब ये है कि आगे फिर कभी अधिकार मिलने वाला नहीं है। ये बात आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। और सबसे गंभीर बात ये है कि लोगों को बहला फुसला करके कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा, कब तक? अरे कई पीढ़ियां बीत गई हैं, हजारों लोग बूढ़े होकर के मर चुके हैं, लेकिन उनके हक और अधिकारों की बात आज तक इस देश में नहीं हो पाई है। पिछड़े और अति पिछड़े समाज में अभी भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत है और बहुत कम नेता हैं जो ईमानदारी से, सच्ची मेहनत से लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें अभी एक उभरता हुआ चेहरा मुकेश सहनी जी का नज़र आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि निषाद समाज के असली नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं या माननीय मुकेश सहनी जी हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, आप इसको फेसबुक पे शेयर करिए, आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए, आप इसको इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, आप इसको ट्विटर पे शेयर करिए, और यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चाहते हैं कि मैं निरंतर ऐसी वीडियो बनाता रहूं, समाज को जागरूक करता रहूं और आप लोगों के बीच में इस तरह की निरंतर वीडियो लेकर के आता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो लोग नए हैं उन लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग नए नहीं हैं, जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, उनका तो मैं तहे दिल से आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत प्यार VIP न्यूज़ टुडे को मिल रहा है। और आप लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, फॉलोवर नहीं हैं, आप परिवार हैं, और परिवार का मैं हर वो काम करने का प्रयास करूँगा जो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कहीं ना कहीं। तब तक यार खुश रहो, मस्त रहो और समाज की जागरूकता को बनाते रहो। और इस वीडियो को दबा के यार आप लोगों को शेयर करना है, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर लोगों तक जरूर पहुंच जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, देखते रहिए VIP न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।